बादलों से कहो कर लें बरसने की तैयारी, क्योंकि हमने कर ली है पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो भाई आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड कांदा भाजी। उसके लिए प्याज को लच्छेदार काट कर उसमें सारे मसाले मिलाकर छोड़ दीजिए। इससे प्याज का पानी छूटेगा जो बाइंडिंग के लिए काफ़ी होगा। हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। भाजी को ज़्यादा क्रिस्प करने के लिए मैंने चावल का आटा यूज़ करा है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। और पता है मुझे क्या लगता है, एक अच्छी चटनी का कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का टेस्ट बढ़ा देता है। ये चटनी इतनी यमी है कि आप कांदा भाजी के साथ क्या किसी भी पकौड़ी के साथ यही चटनी बनाकर खाएंगे। सच, आज का शॉर्ट आउट इनको। तो भाई चटनी तैयार है, कांदा भाजी भी तैयार है, तो देर किस बात की। चलिए इस मौसम के मज़े को दोगुना करते हैं।